करते हैं अपना फर्स्ट जो है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। ओके राइट, दिस इज द फर्स्ट सीरीज, बेसिक एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सीरीज। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट कहते हैं किसको। फॉरेस्ट जो है ना, अगर हम डेफिनेशन को फॉरेस्ट को पढ़ें, तो कोई भी लैंड एरिया जो कि मोर देन हो 0.5 हेक्टर से। इसका मतलब ये नहीं है कि जस्ट एरिया हो, लैंड एरिया हो, लेकिन वो एरिया किसी कमर्शियल यूजेज में नहीं हो, वो एरिया किसी भी जो है अदर नॉन एग्रेरियन यूजेज में ना हो, और उसकी जो ट्री कैनोपी है यानी परसेंटेज ऑफ ट्री है, फॉरेस्ट्री है, वो 10% होनी चाहिए, उसको हम एरिया को, लैंड एरिया को फॉरेस्ट कहते हैं। इट मीन्स दैट दैट एरिया इज पर्टिकुलरली फॉर द ट्री कैनोपी, नॉट फॉर द अदर एग्रेरियन और नॉन फॉरेस्ट लैंड यूज। ठीक है, अगर हम यंग फॉरेस्ट की बात कर लें, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं वो यंग भी होते हैं, जहां पर जैसे कि मियावाकी फॉरेस्ट सिस्टम, जो अर्बन फॉरेस्ट्री सिस्टम है, तो ये जो लैंड एरिया जो है वो यंग है, तो वहां पर जो रीजन्स हैं यानी उनकी जो ट्री कैनोपी है, इट शुड नॉट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रीचिंग अ हाइट ऑफ 5 मीटर इन सीटू एंड मीटिंग द कैनोपी कवर रिक्वायरमेंट। यानी यहाँ पर जो ट्री कैनोपी हो गई वो 5% हो गई, और जो इन सीटू उसकी जो हाइट है वो 5 मीटर एटलीस्ट होनी चाहिए। इसको कहते हैं एरिया को, फॉरेस्ट को, और ये डेफिनेशन जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल की जो है गिवन डेफिनेशन है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉरेस्ट की सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है ना, वो है सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। दे हेल्प अस आउट, पंप आउट ऑक्सीजन वी नीड टू लिव एंड एब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड वी एक्सहेल। अ सिंगल मैच्योर ट्री ली इज एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस अ डे सप्लाई ऑक्सीजन 2 to 10 पीपल। यानी एक ऑक्सीजन ने, सिर्फ एक दरख्त जो है वो हमें सिर्फ दरख्त देता है सारे दिन का, 2 से 10 पीपल तक जो है ना वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसी तरह ये जो है होम टू हाफ ऑफ स्पेशीज की बात की जाए, यानी अगर हम कहें कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो 80% जो फॉर जो है वो लैंड और फॉरेस्ट पर ही कंक्लूडेड है। यानी अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो वैरायटी ऑफ स्पेशीज यानी एनिमल्स स्पेशीज, ट्री स्पेशीज, प्लांट स्पेशीज, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट स्पेशीज हैं वो क्लासिफाइड हैं। फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, इसमें बीज हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये एक जो है दुनिया की जो सबसे ज्यादा जो स्पेशीज की जो है ना, वो हाफ ऑफ स्पेशीज की लैंड है। देन एनवायरनमेंट फ्रेंडली, अब ये दो पर्सपेक्टिव से काम करता है। एक तो एनवायरनमेंट को कूल करता है, और एक हॉट टेम्परेचर को नैरो डाउन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, जैसे जब भी दरख्त जिस एरिया में होते हैं ना, उस एरिया में जो है वो शेड क्रिएट करते हैं, ठीक है, ग्राउंड की तरफ जो है। इसी तरह अगर हम देखें, क्योंकि लास्ट ईयर कराची में हीट स्ट्रोक्स जैसी जो है वो एक क्लाइमेट कैजुअलिटी होने लगी, जब क्लाइमेट कैलेमिटीज हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप दरख्त की तरफ जाएं। इसी तरह इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसको कहते हैं कि 1000 बिलियन, वो जो सुनामी था, जो फॉरेस्ट्रेशन थी, वो असल में सोशो फॉरेस्ट्री और अर्बन फॉरेस्ट्री का ही पर्सपेक्टिव था, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, ताकि जो जो नेचुरल कैलेमिटीज हो रही हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल हो। तो ये जो जो फॉरेस्ट होते हैं वो एनवायरमेंट में बहुत ही एक बेहतर जो है रोल प्ले करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम पाकिस्तान में देखे जाएं दरख्तकारी की, शजरकारी की, तो मियावाकी फॉरेस्ट्री सिस्टम जो लाया गया जापान से, उसके साथ फिर जो है ये जो इमरान खान ने जो कैपी के एरियाज में जो है फॉरेस्ट्रेशन की ड्राइव स्टार्ट की, यानी सोशल फॉरेस्ट्री, लोग अपनी लैंड्स पर जो एग्रेरियन लैंड्स है उस पर जो है वो फॉरेस्ट्री स्टार्ट करें। अच्छा, प्रिवेंट अस फ्रॉम फ्लड्स, ये ऐसा समझे ना कि फ्लड के साथ एक रोल प्ले करते हैं, यानी वो जो है फ्लड का जो आउटफ्लो होता है उसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। दे हेल्प द ग्राउंड एब्जॉर्ब सॉइल लॉस एंड प्रॉपरली डैमेज बाय स्लोइंग द फ्लो, एंड देन दे आर यूजफुल फॉर द सेक ऑफ द फूड दे फीड अस। ट्री प्रोड्यूस फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड सैप्स। दे आल्सो एनेबल अस दैट
द फॉरेस्ट प्रोडक्शन शुड बी यूटिलाइज फॉर द इकोनॉमिक कंजप्शन। तो ये इसका रोल जो है वो इकोनॉमी को बेटर करने में भी जो है वो रोल है। इसी तरह इकोनॉमी फॉरेस्ट से जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग एक वाइल्ड लाइफ के अंदर टर्म इस्तेमाल की जाती है, जिसमें आप जो है जो एनिमल्स ओल्ड हो जाते हैं तो उनके लिए आप जो है फॉरिनर्स को अलाउ करते हैं, देन दे फॉरिनर्स कम एंड देन दे कॉल्ड ट्रॉफी विनर, मार्कोर एनिमल्स की वो जो है शिकार करते हैं, ठीक है, तो दे पे यस। इसी तरह फॉरेस्ट सोर्स ऑफ टूरिस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक इसकी इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट की, सिग्निफिकेंस के बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की फॉरेस्ट टाइप्स के बारे में बात करें, तो फॉरेस्ट टाइप्स पाकिस्तान की क्लासिफाइड है वो 5 टाइप्स में क्लासिफाइड है। टेम्परेट कॉनिफरस जो है, सब ट्रॉपिकल, मैनमेड, रिवरियन एंड कोस्टल। अब ये जो टेम्परेट कॉनिफरस ट्रीज हैं, ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये कोल्ड क्लाइमेट एरियाज के होते हैं, ठीक है। इनमें जो टेम्परेचर होता है वो मोस्टली काम डाउन होता है, और ये विंटर यहाँ पर ज्यादा होती है, विंटर इज लॉन्ग एंड देन समर इज सीवियर। और ये जो है इनकी ट्रोपोग्राफी जो है वो माउंटेनियस रेंज की होती है। ये आप नोट करते जाएं चीजें, ठीक है। टेम्परेट जो कॉनिफरस है वो एक तो कोल्ड क्लाइमेट वेदर का है, ठीक है, नंबर टू माउंटेनियस टोपोग्राफी है, ठीक है, यहाँ पर विंटर ज्यादा होती है और जो समर है वो शॉर्ट होती है, ठीक है, और ये नॉर्दर्न हिली एरियाज में पाकिस्तान के पाया जाता है टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट। इनके एग्जाम्पल्स भी आगे मैं मेंशन किए हैं, वो आपको टेबल दिखाऊंगा। एग्जाम्पल्स में अगर आप देख लें, तो देवदार का ट्री जिसको कहते हैं देवदार। अब ये जो दरख्त है वो नेशनल ट्री भी है, DEODAR, देवदार, ये हमारा नेशनल दरख्त भी है। इसी तरह काइल है, पोर्टल है, जुनीपर है, चिलगोजा है, ये मोस्टली जो है ना प्रोवाइड करते हैं हमें टिम्बर, और ये दरख्त काफी टाल होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी, रेप्यूटेड हाई क्वालिटी टिम्बर स्पेशीज, और इनकी सबसे जो वैल्यू है ना वो वाटरशेड एरिया की रीजन की वजह से। ये किसकी वॉइस आ रही है, वो काइंडली म्यूट कर दे। अच्छा, देन सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो ट्रीज की हम देखें, तो वो सब ट्रॉपिकल जो है वो जिसको एवरग्रीन मॉइस्ट चिल स्क्रब फॉरेस्ट कहते हैं, ये बेसिकली हॉट क्लाइमेट के होते हैं। अब देखें ये टेम्परेट जो है वो कोल्ड क्लाइमेट के हैं, यहाँ पर जो है समर जो है वो शॉर्ट होती है और जो कोल्ड है वो विंटर जो है वो ज्यादा होती है। अब यहाँ सब ट्रॉपिकल यानी ये सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन स्क्रब फॉरेस्ट, यहाँ पर जो है विंटर कम होगी और समर ज्यादा होगी, ठीक है, और ये जो है समझे के टोपोग्राफी लो हिल एरियाज, यानी समझे के लो हिली एरियाज हैं, जैसे के मरी के दरख्त हैं, वो ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं यानी टेम्परेट कॉनिफरस के एरियाज, माउंटेनियस ट्रैक्स केपी की तरफ, मॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड्स जो है। अब ये जो सब ट्रॉपिकल है ये भी स्पेशीज इसकी जो है वो भी टिम्बर क्वालिटी की वजह से फेमस है। यहाँ पर चील का दरख्त आपको मशहूर नजर आता है, देन काओ का दरख्त है, फुलाई एक दरख्त है जो ये यहाँ इसके अंदर जो है वो कैटेगराइज होता है, देन सनाथा एक कॉमन जो है वो इसकी फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो हमें क्योंकि टेम्परेट कॉनिफरस से हमें सिर्फ टिम्बर प्रोवाइड होता है, और लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ से हमें फोरेज, फ्यूल वुड और टिम्बर तीनों चीजें मौजूद होती हैं। आई थिंक डिस्ट्रक्शन हो रही है, काइंडली पार्टिसिपेंट जो है म्यूट कर देता हूँ मैं, ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो फॉरेस्ट है ये इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो एक तो वाटरशेड एरियाज और दूसरी जो है वो टिम्बर क्वालिटी, ठीक है, और देन इससे हमें जो है फ्यूल वुड भी जो है, जिसे लकड़ी का तेल बिकते हैं जो है फ्यूल वुड, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है जो है। देन मैनमेड फॉरेस्ट है जिनको हम जो है एरिगेटेड फॉरेस्ट भी कहते हैं, या आप इसको जो है बेला फॉरेस्ट भी कहते हैं, बेला भी कहते हैं सिंधी जबान में, ठीक है। अब ये क्यों जो है, क्योंकि ये तो नेचुरल है दोनों, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट कॉनिफरस। मैनमेड यानी ये जहां पर जो फॉरेस्ट है ये पंजाब और सिंध के एरिगेटेड एल्यूवियल प्लेन्स में होते हैं, यहाँ पर रिवर जो है समझे के इनके लिए
मौजूद हो जो इनको फैसिलिटेट करे वाटर अवेलेबिलिटी की तरफ से, ठीक है। और इनमें जो यहाँ पर जो है ना, ये भी सब ट्रॉपिकल के ही अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है समर लॉन्ग होती है और विंटर शॉर्ट होती है, और ये ड्राई एरियाज जो है ना, सिंध और पंजाब की जो मोस्टली प्लेन्स हैं उसमें इसकी कैटेगराइज है। ये लो हिली एरियाज, ट्रोपोग्राफिक एरियाज, सब ट्रॉपिकल जो है वो मरी में पाए जाते हैं। एंड देन आप इस्लामाबाद की एरियाज की तरफ चले जाए, टेम्परेट कॉनिफ्रस की तरफ अगर आप जाएंगे तो वो आपको जो है मोस्टली नॉर्दर्न एरियाज में मिलेंगे। प्लीज अपने आप को म्यूट कर दें जो भी ज्वाइन करते जा रहे हैं हमारे साथ। अच्छा जी, तो इसी तरह इसकी जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं, मलबरी, देन पॉपलर, धर्क, यूकलिप्टस, सबसे मशहूर आपने सुना होगा यूकलिप्टस का दरख्त, ये जो है मैन मेड फॉरेस्ट के अंदर क्लासिफाई करता है। अगर आप ये क्लासिफिकेशन जरा देख लेते हैं, ठीक है, देख लें, ये एक्सप्लेनेशन है जो मैन मेड के अंदर, मालबरी है, शीशम है, कीकर है, दरख है, ठीक है। देन रिवरियन, जिसको हम कहते हैं कि बेला फॉरेस्ट जो है, अब यहाँ क्योंकि हमने बात की कि ये मैन मेड फॉरेस्ट हैं और ये रिवरियन, इन दोनों की जो है ना एक समझिए कि सिमेट्री होती है। रिवरियन जहां जहां पर आप देखेंगे एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं या जो है रिवर बैंक्स हैं, मोस्टली ये एग्रेरियन लैंड्स और ये जो है रिवरियन जो है वो रिवर जो प्लेन्स हैं, ये एल्यूवियल प्लेन्स पर मौजूद होंगे, और ये रिवर प्लेन्स जो मौजूद है सिंध और पंजाब में, मोस्टली इनकी जो है वो समझे कि ज्यादा शजरकारी होती है, और ये जो है फ्रीक्वेंटली एरिया जो है इनंडेटेड होता रहता है, दरिया का पानी बहता रहता है, उसके साथ साथ इसकी जो है ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है शीशम और कीकर का दरख्त, ये जो है टाल होते हैं और काफी इनकी ग्रोथ जो है ना लग्जरियंट होती है, मतलब ज्यादा, और ये टिम्बर क्वालिटी में जो है काफी एसेंशियल होती है इनकी, ठीक है। और इसी तरह जो है, लेकिन आजकल इनके साथ एक मसाइल होता जा रहा है कि इनकी एरिया जो है वो शॉर्ट होती जा रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कुछ काजेज हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम, के पाकिस्तान में फॉरेस्ट्री कितनी है, पाकिस्तान में फॉरेस्ट्रेशन क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और पाकिस्तान में क्या इनिशिएटिव लेने चाहिए। देन कोस्टल, जिसको हम मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ये इंडस रिवर डेल्टा की साइड जो है ये फॉरेस्ट की ग्रोथ होती है, इंडस रिवर डेल्टा, और ये जो है मोस्टली जो है कोस्टल एरियाज में ही इनका ग्रोथ होती है नेचुरली, जहां पर जो है समझे कि जो है वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा हो। लेकिन इनकी सिर्फ एक ही जो है वो एक समझे कि कैटेगरी है टिमर की, जो कि इस वक्त मौजूद है, बाकी क्योंकि वाटर की जो, क्योंकि मोस्टली सेलाइन वाटर होने की वजह से और इनकी जो प्रोटेक्शन ना होने की वजह से, इस यहाँ के इरोजन ज्यादा होने की वजह से और हैबिटेट ना मौजूद होने की वजह से, इनकी जो है समझे कि डिक्लाइन की तरफ जो है हमें नजर आती है कि ग्रोथ। अच्छा, मैं अलाउ करता हूँ जो है स्टूडेंट्स को कि आप जो है क्वेश्चंस पूछें अभी तक, ताकि हम जो है फॉरेस्ट डिक्लाइन की तरफ हम कह सकें कि हाँ। सर एक और भी है ना, रेंजलैंड्स। जी, रेंजलैंड्स जो है डिजर्ट एरियाज में देखिए होता है। रेंजलैंड जो है ना वो एक अलग ही टॉपिक है, अभी हमारी जो फर्स्ट टॉपिक है जिसको हम इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान के फॉरेस्ट सिस्टम को, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कैटेगराइज है पाकिस्तान के फॉरेस्ट सिस्टम को हम पढ़ेंगे, देन सिल्वीकल्चर ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम्स क्या है, देन उसके बाद जो है ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, फॉरेस्ट रिसर्च को, देन रेंजलैंड मैनेजमेंट को, देन वाटरशेड मैनेजमेंट को, उसके बाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, तो जो है ये जैसे जैसे क्लासेस हमारी आगे बढ़ती जाएंगी तो ये सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कवर करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये जो कॉनिफेरस और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बताए, इसको काइंडली आप एक बार और रिपीट कर दें। आई जॉइन द क्लास ले रही है, सो आई कुडंट लिसन दैट। ओके, देखिए ट्रॉपिकल जिसको हम कहते हैं टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट, और दूसरे होते हैं सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मोस्टली जो है ना वो हमारे लो हिली एरियाज हैं, इनकी टोपोग्राफी जो है वो लो हिली एरियाज है, और कॉनिफरस की जो टोपोग्राफी है वो माउंटेनियस है। कॉनिफरस हमें नॉर्दर्न एरियाज में, पाकिस्तान की जो नॉर्दर्न साइड है, केपी का साइड स्पेशली, जीबी, केपी, एजेके, ये एरियाज में हमें जो है कॉनिफरस फॉरेस्ट
पाए जाते हैं। सब ट्रॉपिकल लो हिली एरियाज यानी जो आप मरी कह दें, आप जो है इसके इस्लामाबाद की एरियाज कह दें, पंजाब के कुछ ऊपर के एरियाज कह दें, ये इन एरियाज में पाए जाते हैं। अब ये जो यहाँ पर कॉनिफ्रस है इन इनमें जो है ना ये कोल्ड क्लाइमेट जो है फॉरेस्ट है, और ये सब ट्रॉपिकल जो है वो हॉट क्लाइमेट वेदर है। यहाँ पर विंटर सब ट्रॉपिकल में बहुत ही जो है सीवियर होती है, और कॉनिफ्रस में जो विंटर है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। और क्योंकि कॉनिफ्रस हमें सिर्फ एक क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर, फॉरेज तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये जो सब ट्रॉपिकल है इसकी इम्पोर्टेंस बिकॉज ऑफ द फ्यूल वुड एंड फॉरेज एंड टिम्बर। लेकिन कॉनिफ्रस की जो टिम्बर क्वालिटी है वो सबसे आला है, कॉनिफ्रस की हो गई, और रिवेरियन की जो टिम्बर क्वालिटी है वो सबसे आला है। वाटर शेड एरिया जो है ना इनकी जो है वो वैल्यू हाई है, एफिशिएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, ठीक है, बात समझ में आ गई है। एक और चीज़ जो मुझे पूछनी थी वो ये है कि देखें यहाँ पर जो रिवेरियन फॉरेस्ट है शीशम और घीकर का, दैट सेम एट द प्लेस ऑफ मैनमेड, तो जो रिवेरियन ट्रीज हैं तो वो हम मैनमेड भी लगा सकते हैं, और अगर ऐसा हो सकता है तो एक किस तरह से पॉसिबल है, और ये अगर है मैनमेड है तो ये पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों में ये वाले ट्रीज हैं जो मैनमेड है? देखें कि मैनमेड फॉरेस्ट को कहते हैं हम एरिगेटेड फॉरेस्ट, यानी आपकी एग्रीकल्चर लैंड हो, उस एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ आप जो है फॉरेस्ट दरख्त को ग्रो करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी जो टिम्बर वैल्यू है, उसकी जो वुड की वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करते हैं लोग के अपने जो एरियाज होते हैं, छोटे छोटे जमीन है किसी की, उसके साथ उन्होंने दरख्त उगा दिए, और रिवेरियन जो है, और ये जो है एलुवियल प्लेन्स में होते हैं मोस्टली, प्लेन एरियाज सिंध और पंजाब की, और ये रिवरियन जिसको कहते हैं, ये जो है इनका जो लिंकेज है वो रिवर साइड्स, जहाँ पे भी सिंध और पंजाब की जो रिवर एरियाज हैं मोस्टली उन एरियाज में है। तो यानी ये प्लेन्स यानी लैंड्स पर हैं, और ये जो है समझे कि ये रिवर एरियाज यानी कोस्टल और सीज और इनकी तरफ है, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है कि खीकर यहाँ भी उगाए जाते हैं, वहां भी उगाए जाते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों सब ट्रॉपिकल है, क्लासिफाइड जो है ना इनकी आइडेंटिफाई, ये ट्रॉपिकल है, ड्राई वेदर के हैं। यहाँ पर आप वो नहीं उगा सकते जो कॉनिफ्रस, जो केपी में जैसे चिलगोजा दरख्त हम मैनमेड सिंध में नहीं उगा सकते, क्योंकि उसके लिए वो जो है क्लाइमेट और टोपोग्राफी जो है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया शायद, क्वेश्चन किसी के हैं तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जो है डिस्कस करें नेक्स्ट टॉपिक को। सर ये डिजर्ट में कौन से होते हैं? डिजर्ट में सर डिजर्ट्स में जो कौन कौन से ट्रीज उगाए जाते हैं जैसे? हाँ, डिजर्टेड एरियाज में ये फिर ड्राई वेदर के फॉरेस्ट होते हैं ये, आप जो इसमें जो है ना यूकलिप्टस कह सकते हैं, ठीक है, धरक कह सकते हैं, ये यूकलिप्टस, धरक और कीकर, ये तीन जो है आप डिजर्टेड एरियाज में कर सकते हैं, क्योंकि ये यूकलिप्टस तो जो सॉयल होती है ना उसकी ऑर्गेनिक मैटर और उसकी सेलिनिटी खत्म करने के लिए भी बेनिफिशियल होता है। इसी तरह आप जो है जो एरियाज हैं सिंध की, फॉर एग्जांपल, जो सॉयल जो है वो सोडियक हो चुकी है या सलाइन हो चुकी है, उनकी यूकलिप्टस उसकी ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली वही दरख्त की जो है वो शजरकारी होती है जो कि वाटर, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंटली इनंडेटेड नहीं होता, तो वो वाटर जो है ना क्लासिफाई करके जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है वाटर की, उस रिलेटेड जो है वो ग्रो करते हैं। एनी अदर क्वेश्चन सो वी कैन लेट्स डिस्कस अबाउट द रीजंस बिहाइंड द डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। ओके ओके लेट मी अनम्यूट। श्योर सर। जी क्वेश्चन है आपका? नो सर, श्योर, यू कैन गो अहेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। लेट मी अनम्यूट और ओके। सो पाकिस्तान में कॉजेस क्या है, फॉरेस्ट्री क्यों डिक्लाइन की तरफ जा रही है पाकिस्तान में, फॉरेस्ट्रेशन क्या ऐसी जो है वजूहात हैं? देखें आलमी वर्ल्ड बैंक की जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो है अगर किसी कंट्री की जो लैंड एरिया है 25% जो है ना वो अगर जो है फॉरेस्ट्री की तरफ है तो वो इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी डेवलप्ड होता है, लेकिन पाकिस्तान में जो है उसके उलट है। क्यों? पाकिस्तान की जो इस वक्त जो है
फॉरेस्ट्री क्लासिफिकेशन है वो लेस देन 5% है, 4.5% है, यानी पाकिस्तान की ओनली 4.5% ऑफ द लैंड फ्रॉम जो ग्लोबल 25% एरिया है, यानी पाकिस्तान की 4.5% ओनली जो एरिया है वो फॉरेस्ट्री की क्लासिफिकेशन है। किसी ने कुछ दिनों पहले कुछ क्वेश्चन भी पूछा था कि पाकिस्तान में फॉरेस्ट डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन रेट क्या है। पाकिस्तान का जो जो अगर हम एशिया की 24th कंट्रीज कहते हैं ना कि 24th कंट्रीज में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है 23rd पे लाई करता है एशिया में डिफॉरेस्टेशन रेट पर। और पाकिस्तान की इस वक्त फॉरेस्ट डिग्रेडेशन रेट जो है ना वो 1.5% है। लेकिन इसके कुछ रीजंस हैं। रीजंस क्या हैं? कुछ रीजंस नेचुरल हैं और कुछ रीजंस मैन मेड हैं। अगर हम नेचुरल रीजंस की तरफ डिस्कस करें, क्योंकि एक सेकंड मैं स्लाइड को शेयर करता हूं दूसरी। ओके, हम नेचुरल रीजंस की बात कर लेते हैं कि नेचुरल जो है वो क्या रीजंस हैं पाकिस्तान में डिफॉरेस्टेशन के। लेकिन नेचुरल जो है ना सबसे पहले तो क्लाइमेट की तरफ आ जाता है। पाकिस्तान का जिसको कहते हैं क्लाइमेट जो है वो हॉस्टाइल है। इसको कहते हैं हॉस्टाइल एरिड, हॉस्टाइल एरिड then semi arid, arid and then semi arid। अब जिसी भी कंट्री का जो जो टेम्परेचर होता है, जो क्लाइमेट जो क्लासिफाइड होता है एरिड में और सेमी एरिड में, वो कभी भी ये जो टेम्परेचर होता है अलाउ नहीं करता फॉरेस्टेशन को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि ये मोस्टली हॉट टेम्परेचर होता है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द फॉरेस्ट दरख्त के लिए ये बहुत ही नुकसान करता है। तो सबसे पहला जो इशू है वो हमारा क्लाइमेट का है, यानी हॉस्टिलिटी हैज नेवर अलाउ पाकिस्तान टू रिक्लेम इस अफॉरेस्टेशन टेक्निक्स। देन सेकेंड जो है वो एक्सटेंसिव नॉन एग्रीकल्चरल लैंड्स। अब ये जो है ना नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पर हम बात कर लेते हैं, इस सेकंड वन है, क्योंकि पाकिस्तान की मोस्टली जो लैंड्स हैं वो बैरन है। अब बैरन जो जिस जमीन को कहते हैं बंजर, बंजर जमीनें, और बंजर जमीनें क्यों बन गई जाती हैं जब वाटर की अवेलेबिलिटी वहां तक नहीं होती, रसाई नहीं होती वाटर, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे जो है वो स्कार्सिटी लेवल हाई है, क्योंकि पर कैपिटल लेवल इवन कंजप्शन रेट ही डाउन हो चुका है 1000 क्यूबिक पर मीटर से। तो ये जो बैरन लैंड है, ये जो अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बैरन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लॉप्स ज्यादा हैं, ठीक है, स्लॉप्स ज्यादा हैं, उसके बाद जो है रॉकी एरियाज हैं, माउंटेनियस रॉकी माउंटेन्स हैं, और उसके बाद ये जो स्नो कवर है मोस्टली एरिया जो है वो स्नो कवर एरियाज हैं, बर्फानी एरियाज ज्यादा हैं, और सैंड जो है वो स्टेबल नहीं है। कहीं पर जो सैंड है वो जो है सोडियम क्लासिफाई करती है, कहीं पर सलाइन है, कहीं एसिडिटी हाई है। तो इन एरियाज में जो जब अनस्टेबल जो सॉइल टाइप हो गई हो, या जो आपकी एरिया हो बैरन हो, वाटर अवेलेबिलिटी ना हो, तो उस केसेस में जो है वो एक्सटेंसिव नॉन एग्रीकल्चर सॉइल जो है वो फॉरेस्टेशन को ग्रो करने में हेल्पफुल नहीं होती। देन हमारे पास वाटर शॉर्टेज का भी एक इशू है। उसके बाद जो इश्यूज हैं वो हैं सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, यानी एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स। सबसे पहले तो बजटरी कंसर्न्स हैं, बजट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इतनी अलाउ ही नहीं की थी। इवन रिसेंटली जो है पाकिस्तान में जो है इमरान खान के टेन्योर में क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस की गई, लेकिन उस मिनिस्ट्री का सबसे पहला मोटिव यही था कि आप अफॉरेस्टेशन ड्राइव की तरफ जाएं, और उसके लिए आपको जो है वो SDG जो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसका भी पार्ट है पाकिस्तान जो है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में सबसे बेहतरीन रोल है फॉरेस्ट का। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऐसी फोर्स नहीं है, जो बजटरी हमारे पास जो कंसर्न्स हैं, बजट इतनी अलाउ नहीं किया जाती डिपार्टमेंट को। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च नहीं है, यानी किस स्पेशी को, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट की कोई स्पेशी है, उस स्पेशी को प्रिजर्व करना है, किस स्पेशी पर टारगेट करना है,
यार वो क्लासिफाई नहीं है, रिसर्च नहीं है इतनी, लेवल ऑफ स्किल सेमेंस कलेक्शन नहीं है किस एरिया में कितनी डिफोरेस्टेशन हो रही है, ये कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं प्रोड्यूस किए जाते। लेबर जो है वो अनस्किल्ड है, फॉर एग्जाम्पल अनस्किल्ड लेबर यानी जो उनको जो है फॉरेस्ट्री के वो रूल्स नहीं पता, उनको इतनी एक्सटेंसिव क्लासिफाई नहीं करने के, हार्वेस्टिंग कैसी करनी है, किस दरख्त पे वो प्रिजर्व करना है, सिल्विकल्चर ऑपरेशन से वो कम्प्लीटली अननोन। देन कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन मोस्टली ये सिंध में होता है कि अगर ये जो मोस्टली लैंड है ये इसको बेला कहते हैं, यानी जो रिवरियन है फॉरेस्ट है, या ये जो कमर्शियल लैंड है इस लैंड पर किसी जो है फ्यूडल लॉर्ड का कंट्रोल होगा, इस लैंड को वो जो है कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये जो एग्रीकल्चर है और सिंध के मोस्टली जो फॉरेस्ट है वो तो इसी तरह कमर्शियल लैंड्स में कन्वर्ट हो गए फ्यूडल्स की वजह से। फिर हमारी जो गैप है प्रोडक्शन कितनी है और कंजप्शन कितनी है, फॉरेस्ट की हमारी जो है डिफोरेस्टेशन रेट हाई है, हम दरख्त को काटते ज्यादा है क्योंकि माफिया है, टिम्बर माफिया है, फॉरेस्ट माफिया है, लेकिन जो उसको प्रिजर्वेशन करनी है प्रोडक्शन, जितनी आप जितनी जो है कंजप्शन कर रहे हैं उतनी प्रोडक्शन होना चाहिए, लेकिन जब आप कंजप्शन और प्रोडक्शन में आपका गैप आ जाए तो ये सबसे बड़ा एक कॉज बनता है। देन अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस अमंग द पीपल्स भी नहीं है, अवेयरनेस अमंग इंस्टीट्यूशनल सोसाइटीज भी नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट्री इज नॉट ओनली कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट्री, देर आर अदर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्री, दैट इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड, वी विल हैव अ डिटेल लेक्चर ऑन दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देन डिजास्टर्स, अर्बनाइजेशन, पुअर प्लानिंग, ये भी जो है वो एक काजेज हैं। वे फॉरवर्ड की तरफ जाने से पहले जो है कुछ क्वेश्चंस फिर से रिपीट कर लेते हैं, आप इनमें से कोई आपको समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेट मी अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू आस्क। सर आपने एक पॉइंट बताया यहाँ पर कि लो बजट फॉर फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट, सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पॉइंट इन द इंटरव्यू, अगर वो हमसे पूछते हैं एंड वी जस्ट थ्रो दिस रीजन के जो है वो लो बजट है, तो इसका फिर हम कोई वे फॉरवर्ड बता सकते हैं, और इज इट वुड बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट के वी डिस्कस दिस यस, रीजन। यू हैव टू डिस्कस दैट बिकॉज ऑफ द बजटरी कंसर्न, आपको इसको जो है जजमेंटल होकर आंसर नहीं करना, यू हैव टू से दैट सिंपली दैट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, द गवर्नमेंट इन पावर, यू नॉट रिक्रूट द बजट फॉर द दैट मच फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इसी के लेते हुए बजट जब इशू नहीं होती, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की बजट अगर देखी जाए 2022 की तो वो है 9.5 ट्रिलियन। अगर इस 9.5 का जो अगर हम बात करें कि 5% यानी 50% जो है वो एक्सपेंसेस में चला जाता है हमारे कर्जे देने में, तो हमारे पास जो ओनली एजुकेशन होती है वो एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, वो बिल्कुल ही 1.6% इस बार एजुकेशन का था, तो हमारे पास बाकी सर्विसेज के लिए इतनी बजट अवेलेबल नहीं होती, तो हम किस तरह इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और डिपार्टमेंट की ये समझे कि लैक ऑफ वो है रेट है, ये इंस्टीट्यूशनल इनकैपेसिटी है, यू कैन से दैट बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशनल इनकैपेसिटी रेट, इंस्टीट्यूशन आर नॉट अवेयर, इंस्टीट्यूशनल डू नॉट हैव द प्रॉपर रिसर्च टेक्निक, एंड दे डू नॉट हैव द रिफॉर्म्स the body to which they can get the budget through the government, and even because of the institutional lacking that capacity, the government is also not showing concerns about improving, even though the policies introduced in Pakistan only focus on introducing policies, but these policies are just the paperwork, they are not in the practical work. तो आप उसको इस तरह लिंक कर सकती हैं, आप एक पॉलिसी पाकिस्तान की बता सकती हैं, ये जो इमरान खान की पॉलिसी थी अफॉरेस्टेशन ड्राइव, और पाकिस्तान ने अचीव भी किया, इवन यूएन ने इस बात को क्लेम किया कि जो एसडीजी का गोल है पाकिस्तान ने वो 10 साल पहले अचीव किया, लेकिन विकास क्योंकि वो फॉरेस्ट्री इस तरह की वो बजट इशूज हैं, क्योंकि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली डाउन है, इस वजह से ये जो है कंसर्न है। अनदर क्वेश्चन, लाइक इफ वी डिस्कस, allow others. Yes, sir. Can I ask? Okay. Sir, if we are going to discuss this point, that there is a low lack of budget in this department, so they would directly say, okay, what is the way forward you suggest?
वे फॉरवर्ड की तरफ हम आने अभी आने जा रहे हैं. अभी मैंने जस्ट इसलिए आपसे कहा है कि क्वेश्चंस जिनको करने हैं इस जो पर्टिकुलर रीजंस के रिलेटेड आपने बात की, तो वो क्वेश्चंस करें. वे फॉरवर्ड तो हम डिस्कस करेंगे. ओके सर. ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? आई थिंक देयर नो एनी अदर क्वेश्चन. ओके, लेट मी अनम्यूट ऑल. ओके, नाउ गोइंग फॉर द वे फॉरवर्ड. सबसे पहले जो है ना, सोशल फॉरेस्ट्री को जो है ना आप प्रमोट करें. अब आप कहेंगे कि ये सोशल फॉरेस्ट्री क्या है. सोशल फॉरेस्ट्री मींस जो कॉमन मैन, आम लोग जो है फॉरेस्ट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स के साथ, जमीनों के बीच में उन्होंने अगर दरख्त उगा दिए, तो वो जो है क्लाइमेट को कंट्रोल करने में, और वो जो हमारी फॉरेस्ट से डिमांड है, जिसमें हमारी डिमांड क्या है, फ्यूल वुड, फॉरेज, टिम्बर एंड देन फूड, वो हमें अचीव हो सकती है. और टिम्बर जो है वो एक समझो कि डिमांडिंग है, और पाकिस्तान में उसकी डिक्लाइन भी है, जिसको हम एक और टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसको कहते हैं कि वुड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री यानी एग्रेरियन लैंड के साथ आप जो कमर्शियल लेवल पर कॉमन मैन अपने विल पर जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं वो जो है फॉरेस्ट्री करें, यानी वो कमर्शियल शजरकारी की मुहिम चलाएं, और चल भी रही है. लोगों ने पार्क्स में, डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट एजुकेशन सेक्टर्स में अपने विलिंग पर जो है फॉरेस्ट्री स्टार्ट कर दी है. तो इसको कहते हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाए, और कॉमन मैन को जितना इन्वॉल्व करेंगे उतनी फॉरेस्ट्री ड्राइव जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट कंट्री. देन वी हैव टू यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इफिशेंटली. ये मीन्स वी हैव टू थिंक दैट, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट में, क्योंकि स्पेशीज की बात की, तो रिसर्च करनी पड़ेगी किस स्पेशी पर हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, कौन सा ऐसी वाइल्ड लाइफ है, कौन सी ऐसी बायोडाइवर्सिटी है जिसकी जो है एक्सटेंशन होती जा रही है, और उसको प्रिजर्व करना हमारा राइट है, और किसको हमें जो है लीव कर देना है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा फॉरेस्ट का कोई स्पेशी है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है जिसकी एक्सटेंशन नहीं हो रही, लेकिन वो ज्यादा है और हमारे लिए इन्वायरमेंटल हजार्डस नहीं है, या उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हमें जो है फिर लीव करते हुए इम्पोर्टेंट स्पेशीज को रोल प्ले करना चाहिए. देन हमें साइंटिफिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यही मैंने बात, और इंक्रीज करना चाहिए एरिया को फॉरेस्ट के अंदर, यानी इंडिविजुअल. इसके सेंस में मैं बता दूं, इन व्यूइंग ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड शॉर्टेज ऑफ एरीगेशन वाटर एक्सटेंसिव सुइटेबल एरियाज आर नॉट अवेलेबल फॉरेस्टेशन, दे विल आस्क यू दैट क्वेश्चन, that because how we can increase the forest land, because we have a hostile semi-arid and then arid temperature, barren lands, we have slip slopes, we have water shortages, how we will go, and we have also budgetary concern, how we will go for it. Then you have to simply say that we have to go for other forms of forestry. Social forestry, I have already discussed. Agroforestry. Then there's a urban forestry. Means urban areas mein aap jo hai forest shajarkari ki muhim start kar dein. Because jo hai is waqt forest ka role bahut hi effective hai. Ye jo urban floods aate hain aur ye jo samjhe ke natural calamities aati hain unko control karne mein. Our farmers are already growing and fulfilling about half of the total wood requirement of the nation. And you have to mention that point, that because of that perspective, it is therefore very natural that government should encourage the farmers to take up farm forestry in their land in scientific way. Means government ko provide karne chahiye unko resources, unko wo seeds, darakht ke wo categorize, unki research karni chahiye puri proper, ek samjhe ke implementation jo maine kahi thi ki awareness drive honi chahiye farmer ke sath, initiative hona chahiye. Government should provide technical advice, planting material and financial subsidies to farmers to grow the trees. You have to mention these points. Forest department should be given a mandate and should be provided suitable resources to undertake dry land afforestation in the country to bring new vast areas under compact forest. Yani jo barren lands hain, in lands ko convert kar dein aap afforestation drives mein. For example, aise kuch darakht hain jo ki barren land ko, jaise eucalyptus aur dhar ka maine mention kiya, wo convert kar sakte hain jo hai, then soil ko wo fertile kar sakte hain.
सॉयल बैरन तभी हो जाती है जब फर्टिलिटी रेट और ऑर्गेनिक मैटर डाउन हो जाता है। तो इससे आपके दो बेनिफिट होंगे, एक तो वो जो जिसको कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो कॉम्पैक्ट फॉरेस्ट जो है वो बैरन एरियाज पर होंगे, एक तो आपको वो लैंड फर्टाइल हो जाएगी इन फ्यूचर टाइम पीरियड में, एंड देन आपका जो फॉरेस्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा रेट। How to increase the productivity of existing forests? Then there is another way forward. Trees like other green crops require sustainable, suitable temperature, moisture, nutrients and protection for the rapid growth. It is therefore suggested that aapko selectable, suitable, jo fast growing species hai na, inme eucalyptus, poplar aur simmel, ये फ्रस्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आपको जो है वो ये थ्री स्पेशीज को मोस्टली जो है जो प्रेफर करें, ऐसे स्पेशीज दरख्त उगाएं जो जल्दी उग सकते हैं। देन प्लांट ऑप्टिमम नंबर ऑफ ट्रीज पर यूनिट एरिया, यानी फॉर एग्जांपल एक लैंड है 1 acre है 1 hectare है, तो उसके अंदर आप जो है ऑप्टिमम नंबर पर यूनिट एरिया जितने दरख्त यहाँ पर उगाए जा सकते हैं उतने उगाएं। एम्पल वाटर थ्रू सुइटेबल मीन्स, यानी आप मॉडर्न एरीगेशन मेथड्स यानी जिसको कहते हैं ड्रिप एरीगेशन, ड्रिप इज मीन्स दैट प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स बाय ड्रिपलेट्स, ये ड्रिप एक समझे कि एरिया होती है, आपने एक लैंड है यहाँ पर आपने दरख्त उगा दिए फॉर एग्जाम्पल, अब ये एरीगेशन का मेथड है, अब क्या करेंगे आप या इस प्लांट ये जो ड्रिप का प्लांट है ना इसको लगा दें यहाँ पर, ये ड्रिपलेट्स यानी छोटे छोटे जो है वाटर ट्यूब्स होंगी जैसे वाटर पाइप्स होते हैं छोटे छोटे, अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को प्रोवाइड करेंगे उस रूट तक ट्री के, यानी इसमें वाटर वेस्टेज कम हो जाएगी और उतना ही वाटर जो है वो अवेलेबल होगा प्लांट रूट्स को ग्रोथ को जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है पाकिस्तान में वो हाई है। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व दैट वाटर एंड ग्रो द प्लांट्स वी हैव टू गो फॉर द मॉडर्न एरीगेशन मेथड्स लाइक ड्रिप स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इज मोस्टली सुइटेबल फॉर द टोपोग्राफिक एरियाज। देन एसेंशियल डोज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फर्टिलाइजर शुड बी प्रोवाइडेड टू द फॉरेस्ट्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट अगेंस्ट वीड थ्रू बेटर सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस, एंड देन वी हैव टू मिनिमाइज कॉम्पिटिशन अमंग द ट्रीज बाय रिमूविंग एक्स्ट्रा नंबर ऑफ ट्रीज, जो मैंने कहा कि ओल्ड ट्रीज होते हैं ओल्ड स्पेशीज होते हैं उनको रिमूव कर दें और न्यू ग्रोथ करते रहें सीडलिंग्स के थ्रू, ठीक है। और कॉमन मैन की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, एजुकेशन प्रोवाइड करें अबाउट फॉरेस्ट्री एक्सटेंशन प्रॉपर मैनेजमेंट, उनको जो है कम्प्लीटली एक जो है कोर्स वर्क ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो ट्रेन कर सकें आपको, अपनी एजुकेशन को यूटिलाइज कर सकें और फॉरेस्ट्रेशन में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, और उसके बाद अवेलेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की इफिशेंटली यूज करें, आप रीयूज करें द पुअर क्वालिटी ऑफ लॉग्स, फॉर एग्जांपल इफ यू